ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने इन्वर्टर बैटरी का जो बड़ा सेटअप था, इन्वर्टर बैटरी का बड़ा सेटअप मैंने यहाँ लगा लिया है अपने बैटरी के पास में। अब मॉनिटर करने में आसानी होगी कि कितने एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है, ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है एक्सेट्रा। दूसरी वाली बैटरी भी यूज कर सकते हैं साथ में, पैरेलल में भी कनेक्ट करके देखने वाला हूँ मैं कि कार बैटरी को इस बैटरी के साथ पैरेलल में जोड़ूंगा, साथ में इस बैटरी को सोलर बैटरी को भी जो कि 40 एच की है, तीनों ही बैटरी को पैरेलल में करेंगे। 150 एच की बैटरी, कार बैटरी 32 एच और 40 एच की सोलर बैटरी, देखेंगे कैसी कैसी परफॉर्मेंस आती है, क्या क्या आउटपुट मिलता है और बैकअप टाइम कैसा कैसा रहेगा, बैटरी की वोल्टेज कैसी रहेगी, इन्वर्टर कितने एम्पीयर से किस बैटरी को चार्ज करेगा जब तीनों बैटरी पैरेलल में होंगी तो। ठीक है, बाकी सोलर से अभी मैं सोलर से जो है वायर लगाने रह गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी SMU में यहाँ पर सोलर के वायर लगाने रह गए हैं, वो मैं वहीं कॉर्नर से लेकर के आऊंगा जैसे मैं इस कंट्रोलर के लिए लाया हूँ। ठीक है, वो वहां से लाऊंगा इस तरीके से और वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने गर्मियों के लिए अपने सेटअप को नीचे रख लिया है इन्वर्टर बैटरी के। मॉनिटर करेंगे कितनी वोल्टेज है, अभी तो बैटरी फुल है, ये अभी देख सकते हैं फुल है, चार्जिंग स्टॉप है इन्वर्टर से और ये देखिए 13.65 पर है बैटरी। और इस तरीके से सेटअप है, सही से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में इसकी, अभी मैंने बस थोड़ा सा आपको समझाया है ऐसे ऐसे सेटअप है, ऐसे ऐसे लगा रखा है। मॉनिटर करने में आसानी होगी अब मुझे और शेयर करूंगा आपसे वीडियोस। और इससे रिलेटेड आप कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि कौन सी बैटरी मैं पहले पैरेलल में कनेक्ट करूँ अपनी इस बड़ी बैटरी के साथ। ठीक है, सोलर बैटरी को पहले कनेक्ट करूँ पैरेलल में या फिर कार बैटरी को, जैसा आप कहेंगे वैसा हम ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।